इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 7 सितंबर की करंट अफेयर। 7 सितंबर की करंट अफेयर से पहले अगर अभी तक आपने भारत में वर्तमान में कौन क्या है के 100+ क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं देखे हैं, 15 मिनट का वीडियो है सिर्फ, जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कौन क्या है 28 अगस्त 2022 की अपडेटेड के साथ है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। खासकर रेलवे ग्रुप डी में तो हर शिफ्ट में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करता हूँ 7 सितंबर की करंट अफेयर। 7 सितंबर की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल का क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन थे जेम्स एंडरसन, रविचंद्र अश्विन, भुवनेश्वर कुमार या जसप्रीत बुमराह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। आपको डेली करंट अफेयर में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप हमें उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। 7 सितंबर की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल में निधन हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए समझौता किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने बांग्लादेश देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 64वें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता रहे हैं सोथियारा चिम जो कि कंबोडिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड जो कि फिलीपींस के हैं, तदासी हटोरी जो कि जापान के हैं और गैरी बेनचेग्यू जो कि इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल किसने शुरू किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुपालन लॉ स्कूल IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने शुरू किया है। IILM की फुल फॉर्म क्या है। तो IILM के फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को किस शहर में विकसित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को लखनऊ शहर में विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लखनऊ और उसके आसपास के जिले जैसे उन्नाव हुआ, सीतापुर हुआ, रायबरेली हुआ, बाराबंकी हुआ और कानपुर को SCR में शामिल किया जा सकता है। SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालय और विभागों में शीर्ष स्थान पर रहा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों को समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने के लिए इंडसइंड बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक दिवस 2022 की थीम है शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज है, इन्हें इस कोच के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किसे किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त DY चंद्रचूड़ को किया गया। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया। आपके पास ऑप्शन है 16%, 25%, 28% या 32%। राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।